Good day. Welcome back, Navkar Digital Institute. Today, what we are going to discuss is income from house property. The second head of income, very second head of income, income from house property. The most interesting head of income, that is income from house property. Fine. Before we start, let me ask you one question. Which income you considered under this particular head of income? Is it sale of house? Are we talking about sale of house? No, sir. No? Then? Okay, sale of house, that is transfer of property, that is to be considered under the head income from capital gain. Okay, fine. So here, which income you are thinking of? Income? Okay, fine. Rental income. Very nice. So rental income is income from house property. We are talking about rental income. Misconception. Let us take a simple example to start with. एक छोटा सा example दिमाग में रखना, पूरे topic के लिए इसको दिमाग में रखना. Say for example, you are the owner of a property. You are owner of a house. You have let out the house. I hope you understand what is let out. Yes, rented house. भाड़े पे दिया. You have let out the house to Mr. X. Rent fixed 50,000 per month. Mental calculation is required. 50,000 per month. So in a year, your income from house property is 6 lakhs. Rental income is 6 lakhs. अगर 6 लाख इनकम होगी तो टैक्स भरना पड़ेगा. डेफिनेटली यस. इफ इनकम इज 6 लाख, यू आर सपोज टू पे द टैक्स. सो यू नो, यू बीइंग वेरी स्मार्ट, आपने क्या किया? यू सेड योर रेंट इज फिक्स 50,000 पर मंथ. मिस्टर एक्स को बोला, आपके टेनेंट को आपने क्या बोला? रेंट इज फिक्स 50,000 पर मंथ, बट गिव मी 30,000 by way of account pay check, that is cross check. 30,000 by way of cross check, account pay check. And 20,000 by way of cash, hard cash. So accordingly, Mr. X is giving you 30,000 per month account pay check and 20,000 cash. अब उसने जो चेक दिया वो तो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया. फाइन. जो कैश दिया सीधा पॉकेट में डाल दिया. मीनिंग देयर बाय 30,000 पर मंथ यू आर डिपॉजिटिंग इन टू योर बैंक एंड शोइंग इट एज योर इनकम. 20,000 कैश रिसीव्ड डायरेक्टली इन द पॉकेट. अगर आपकी गंदी भाषा में बोला जाए तो 30,000 इज व्हाइट मनी, 20,000 इज ब्लैक मनी. पाप है, करना नहीं. ओके. सो ट्राइंग टू एस्केप योर लायबिलिटी, इट इज अ केस ऑफ सिंपल केस ऑफ टैक्स इवेजन. 30,000 बाय वे ऑफ चेक. सो इन ऑल इनकम फॉर द ईयर 360,000. 20,000 बाय वे ऑफ कैश, ब्लैक मनी डायरेक्टली इन द पॉकेट. नाउ योर टैक्सेबल इनकम इज 360 फॉर एग्जाम्पल. टैक्स लाइबिलिटी, सर बेसिक एग्जेम्पशन इज 250, बट यू हैव द बेनिफिट ऑफ रिबेट ऑल्सो. सो अल्टीमेटली टैक्स लाइबिलिटी विल बी जीरो. एक्चुअली योर इनकम इज 6 लैक्स, बट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ मैनिपुलेशंस यू आर शोइंग योर इनकम एज 3,60,000 एंड 2,40,000 डायरेक्टली कैश में लेके सीधा पॉकेट में. पहला सवाल, इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स यस, होता ही है. लेट अस चेक. बहुत जन पीजी हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, दे आर पेइंग रेंट. आई कैन श्योर यू दैट मेजोरिटी ऑफ देम मस्ट बी पेइंग इन कैश.
अच्छा, बहुत सारी जगह पे तो उसका रिसिप्ट वगैरह का कोई चलन ही नहीं होता है। सो कैश में दिया, लैंडलॉर्ड ने पॉकेट में डाल दिया, बात खत्म हो गई। रिसिप्ट भी मिलेगा तो कितना मिलेगा? कच्चा रिसिप्ट मिलता है मार्केट में, रिसिप्ट बुक मिलता है, उसमें कच्चा रिसिप्ट बना के दे देंगे। सो मीनिंग देयर बाय हाइएस्ट टैक्स इवेजन इज पॉसिबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मानते हो? यस सर। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर टैक्स इवेजन बहुत हो सकता है, इस पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम के अंदर टैक्स इवेजन बहुत हो सकता है, ऐसे सब डिस्कशन तो है अपने, एंड थैंक गॉड यू आर विथ नवकार। सो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जानने भी मिलेगी, बट फॉर द टाइम बीइंग बेसिक एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं कि दिस काइंड ऑफ टैक्स इवेजन इज पॉसिबल, बट द क्रक्स इज हियर। आपने तो बता दिया गवर्नमेंट को कि माय रेंटल इनकम इज 360,000, अकॉर्डिंगली माय इनकम इज 360, माय टैक्स लायबिलिटी विल बी निल। फाइन, अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, मतलब कि अपना इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? या आपका अपार्टमेंट इस पर्टिकुलर एरिया में है? यस सर। इज इट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स? यस सर। तो हमारे हिसाब से इस अपार्टमेंट का एक साल का रेंट 5 लाख होना चाहिए। एक साल का रेंट 5 लाख होना चाहिए। आप कितना लेते हो? कितना लेते हो? 360? याद आया ना, 360? हाँ, यस सर, 360। गवर्नमेंट बोलती है हमारे हिसाब से रेंट कितना होना चाहिए एक साल का? 5 लाख। तो टैक्स कैलकुलेशन तो 5 लाख के हिसाब से ही करना पड़ेगा। इवन इफ यू आर शोइंग इट एज 360 रेंटल इनकम, टैक्स कैलकुलेशन शुड बी एज पर दिस गवर्नमेंट डिसाइडेड वैल्यू 5 लाख। मीनिंग देयर बाय यू हैव नॉट अर्न्ड 1,40,000 एज यू से, फिर भी उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, फिर से एक बार सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू। गवर्नमेंट डिसाइडेड वैल्यू इज 5 लाख। सपोज यू आर अ जेन्युइन पर्सन लाइक मी, यू आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग इन कैश, यू आर रिसीविंग एवरीथिंग बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, दैट इज 6 लाख। तो अब गवर्नमेंट पूछेगी फिर से आपको, हमारे हिसाब से एक साल का रेंटल वैल्यू 5 लाख होना चाहिए, आप कितना लेते हो? कितना लेते हो? 6 लाख। हाँ तो बराबर है, 6 लाख पे टैक्स भरो, बराबर लेते हो, वेरी गुड। मीनिंग देयर बाय व्हाट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? इज इट रेंट? नो, नॉट ओनली रेंट, यू आर सपोज टू कंसिडर दैट गवर्नमेंट डिसाइडेड वैल्यू ऑल्सो। सो वॉट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? इट इज द एन्युअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एन्युअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो पूरे टॉपिक के अंदर यह दिमाग में रखना है, एन्युअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, एन्युअल वैल्यू इज चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नॉट द रेंटल इनकम। वी विल कंसिडर एन्युअल वैल्यू। इन नटशेल, इन शॉर्ट, व्हाट इज एन्युअल वैल्यू? या तो गवर्नमेंट डिसाइडेड वैल्यू, या तो आपका जो एक्चुअल रेंट आप चार्ज करते हो, विच एवर इज हायर, अल्टीमेटली विच एवर इज हायर टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फाइन, सो पूरे टॉपिक के अंदर एन्युअल वैल्यू को दिमाग में रखना है। नाउ लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल फर्दर, इसी एग्जाम्पल को और आगे लेके जाते हैं, फिर से जाते हैं अपने बेसिक एग्जाम्पल के ऊपर। रेंट 50,000 पर मंथ, 30,000 अकाउंट पे चेक, 20,000 कैश, गवर्नमेंट डिसाइडेड वैल्यू 5 लाख, 5 लाख के हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। नाउ सपोज इन दिस केस योर टेनेंट इज लाइक मेरे जैसा कोई आम आदमी, अ मिडिल क्लास पर्सन। आम आदमी तो आम आदमी, ओके। जेन्युइनली यू आर चार्जिंग 3,60,000, मतलब यू आर नॉट रिसीविंग एनीथिंग इन कैश। लेते हो पूरा कितना?
360,000 जेन्युइनली, एक रुपया भी ब्लैक मनी नहीं और दूसरी कोई इनकम भी नहीं. बट इफ गवर्नमेंट डिसाइडेड वैल्यू इज 5 लाख, टैक्स तो 5 लाख के हिसाब से ही भरना पड़ेगा. मतलब के जेन्युइनली अगर आपका रेंटल इनकम कम है तो भी अगर गवर्नमेंट डिसाइडेड वैल्यू ज्यादा है तो आपका टैक्स कैलकुलेशन के लिए जो इनकम गिना जाएगा दैट इज गवर्नमेंट डिसाइडेड वैल्यू. मीनिंग देयर बाय एनुअल वैल्यू इज चार्जेबल. इसका मतलब गवर्नमेंट डिसाइडेड वैल्यू 5 लाख था, आपका जेन्युइन रेंट भी 360 ही है, 1,40,000 दैट डिफरेंस अमाउंट अर्न नहीं किया, फ्यूचर में भी अर्न नहीं करने वाले, जिंदगी में ये पैसा नहीं मिलने वाला है, फिर भी उसके ऊपर टैक्स भरना पड़े, ऐसा हो सकता है. सो पूरे टॉपिक के अंदर वन थिंग यू आर सपोज टू कीप इन माइंड दैट दिस इज द ओनली हेड ऑफ इनकम वेयर नोशनल इनकम इज ऑल्सो चार्जेबल टू टैक्स. नाउ व्हाट इज नोशनल इनकम? समथिंग विच इज नॉट रियल. नोशनल इनकम इज ऑल्सो चार्जेबल. फाइन, सो लेट अस बिगिन विद दिस. पूरे ये बेसिक एग्जाम्पल को लास्ट तक दिमाग में रखोगे, नोशनल इनकम एंड एनुअल वैल्यू. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मस्त हेडिंग लगा दो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. कवरेज सेक्शन 22 to 27. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से लेकर 27 तक का डिस्कशन है. बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल डिस्कशन लेट अस हैव अ स्नैपशॉट. स्नैपशॉट मतलब सेक्शन हाइलाइट्स. सेक्शन हाइलाइट्स मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सेक्शन एंड दैट पर्टिकुलर सेक्शन डील्स विद विच प्रोविजन. सबसे पहले ये लेते स्नैपशॉट सेक्शन हाइलाइट्स. सेक्शन 22 टॉक्स अबाउट बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्जेबिलिटी. चार्जेबिलिटी मीन्स टैक्सेबिलिटी. टैक्सेबिलिटी मीन्स सर्वे, मतलब चार्जेबिलिटी. चार्जेबिलिटी इज टैक्सेबिलिटी. टैक्सेबिलिटी इज चार्जेबिलिटी. ऐसा नहीं. लेट अस टेक अ सिंपल एग्जाम्पल. से यू अर्न रेंटल इनकम, कैन यू आइडेंटिफाई द हेड ऑफ इनकम ओनली विद दिस नेचर ऑफ इनकम? नेचर ऑफ इनकम इज रेंटल इनकम, तो क्या वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है? मे नॉट बी. इट मे बी बिजनेस इनकम, इट मे बी अदर सोर्स इनकम, इट मे बी हाउस प्रॉपर्टी इनकम. गोल्डन सेंटेंस, हमेशा के लिए याद रखना, इवन इफ नेचर ऑफ इनकम इज एब्सोल्यूटली सेम, नेचर ऑफ इनकम एब्सोल्यूटली सेम, फॉर डिफरेंट पर्सन्स, अलग अलग पर्सन के लिए टैक्सेबिलिटी विल बी इन डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम. अलग अलग पर्सन के लिए इसकी टैक्सेबिलिटी अलग अलग हेड ऑफ इनकम में हो सकती है. फाइन, सो इवन इफ द नेचर ऑफ इनकम इज एब्सोल्युटली सेम, फॉर एग्जाम्पल रेंटल इनकम, सेम रेंटल इनकम मे बी हाउस प्रॉपर्टी इनकम फॉर मिस्टर एक्स, मे बी बिजनेस इनकम इन केस ऑफ मिस्टर वाई, मे बी अदर सोर्स इनकम इन केस ऑफ मिस्टर जेड, तो फिर सर पता कैसे चलेगा दैट रेंटल इनकम इज हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस इनकम और अदर सोर्स इनकम? हाउ टू आइडेंटिफाई दैट? द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज देयर इन सेक्शन 22. मतलब कि वी हैव 5 हेड्स ऑफ इनकम. इन ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम द वेरी फर्स्ट प्रोविजन, पांचों हेड ऑफ इनकम के अंदर सबसे पहला प्रोविजन इज ऑलवेज बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्जेबिलिटी, मतलब कि चार्जिंग सेक्शन, मतलब कि टैक्सेबिलिटी. मीन्स वेरी फर्स्ट प्रोविजन ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, वेरी फर्स्ट प्रोविजन विल आइडेंटिफाई विच पर्टिकुलर इनकम इज चार्जेबल एंड विच इनकम इज नॉट चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. फाइन, सो सेक्शन 22 विल आइडेंटिफाई विच इनकम इज चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड विच इनकम इज स्पेसिफिकली नॉट चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. एज आई सेड अर्लियर, इवन इफ नेचर ऑफ इनकम इज एब्सोल्यूटली सेम, फॉर डिफरेंट पर्सन्स टैक्सेबिलिटी मे बी देयर इन द डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम.
अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हेड में टैक्सेबिलिटी हो सकती है. फाइन. सो सेक्शन 22 टॉक्स अबाउट बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्जेबिलिटी. फिर से एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं. चार्जेबिलिटी मतलब टैक्सेबिलिटी. टैक्सेबिलिटी विल आइडेंटिफाई विच इनकम इज चार्जेबल अंडर दिस हेड ऑफ इनकम एंड विच इनकम इज स्पेसिफिकली नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड ऑफ इनकम. सिमिलरली यू स्टडीड फॉर सैलरी सेक्शन 15, बिजनेस प्रोफेशन सेक्शन 28, कैपिटल गेन सेक्शन 45. ऑल दीज आर चार्जिंग सेक्शंस, द वेरी फर्स्ट प्रोविजन ऑफ अ पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम. फाइन. सो वो हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 22 के अंदर. विच इनकम इज चार्जेबल एज हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड विच इनकम इज नॉट चार्जेबल एज हाउस प्रॉपर्टी इनकम. देन सेक्शन 23 वी विल डिस्कस दैट कॉम्पिटिशन पार्ट. कॉम्पिटिशन, हाउ टू कैलकुलेट द एन्युअल वैल्यू. जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट ओनली द रेंटल इनकम, इट इज द एन्युअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. एन्युअल वैल्यू क्या था? वो गवर्नमेंट डिसाइडेड वैल्यू या तो अपना रेंट, विच एवर इज हायर. फाइन. सेक्शन 24 स्पेसिफिक डिडक्शंस. स्पेसिफिक डिडक्शन दैट इज डिडक्शन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओनली. सी देर आर टू टाइप्स ऑफ डिडक्शन इन इनकम टैक्स. इनकम टैक्स में दो टाइप के डिडक्शंस है, पता है. वन इज अ जनरल डिडक्शन एंड द अदर इज अ स्पेसिफिक डिडक्शन. जनरल डिडक्शन विल बी फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब कि फाइव हेड्स का टोटल करने के बाद, फाइव हेड्स ऑफ इनकम का टोटल करने के बाद जो डिडक्शन मिलेगा दैट इज जनरल डिडक्शन. एंड स्पेसिफिक डिडक्शन स्पेसिफिकली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम. सिंपल अंडरस्टैंडिंग में अगर समझा जाए तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अर्न कर रहे हो तो उस इनकम को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंस हुआ है उसका डिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से ही मिलेगा. दैट इज स्पेसिफिक डिडक्शन सेक्शन 24. सो स्पेसिफिकली अलाउड एज अ डिडक्शन. विच आर द एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली अलाउड एज डिडक्शन. डिडक्शन मिलने से क्या होगा? तो इनकम में से उतना माइनस होकर आपकी टैक्सेबिलिटी कम, मतलब कि टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, टैक्सेबिलिटी कम हो जाएगी. सो क्लेम सेक्शन 24 डिडक्शंस. डिडक्शंस फ्रॉम स्पेसिफिकली हाउस प्रॉपर्टी इनकम. सेक्शन 25 डील्स विथ इन सम केसेस डिडक्शंस नॉट अलाउड. कोई कोई केस में डिडक्शन नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, विल डिस्कस व्हेन विल टेक अप दिस सेक्शन 25. सेक्शन 25 ए टॉक्स अबाउट सम रिकवरी. अगर पुराना कुछ रिकवर किया है, रिकवरी ऑफ सम अनरियलाइज रेंट और रिकवरी ऑफ सम अरियर्स ऑफ रेंट. पुराना कोई अनरियलाइज या अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर हुआ होगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा. 26 टॉक्स अबाउट को ओनरशिप. को ओनरशिप मतलब व्हेन मोर देन वन पर्सन जॉइंटली ओन्स अ प्रॉपर्टी. एक से ज्यादा पर्सन अगर प्रॉपर्टी के ओनर होंगे तो उसकी टैक्सेबिलिटी कौन से पर्सन के लिए कैसे आएगी. एंड 27 टॉक्स अबाउट डीम्ड ओनर. डीम मतलब कि अजम्पशन बेस्ड प्रोविजन, अज्यूम टू बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. इन सम केसेस असेसी मे नॉट बी द ओनर. वी विल डिस्कस कि ये सब प्रोविजन क्या होते हैं, वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन करेंगे. एंड एज बीइंग द फर्स्ट वन हम लोग लीगल लैंग्वेज में भी समझेंगे और सिंपल लैंग्वेज में भी समझेंगे. सिंपल लैंग्वेज में पहले समझेंगे, लीगल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स को अंडरलाइन भी करेंगे. अब ध्यान से सुनो कि आपको क्या करना है, वॉट यू आर सपोज टू डू. अपने पूरे शो के अंदर, मतलब कि स्क्रीनशॉट्स के अंदर, मतलब कि पीपीटी के अंदर, जहां पे भी जो ब्लू फॉन्ट्स में लिखा हुआ है, जितना भी ब्लू फॉन्ट्स में है, ब्लू कलर में लिखा है, वो ऑलरेडी आपके नोट्स में नवकार स्पाइरल में है एज इट इज. जो ब्लैक फॉन्ट में लिखा है वो अपना खुद का बनाया हुआ है. सो आपको घर पे बैठ के अभी अभी नोट्स जो बनानी है वो कौन सी बनानी है, तो जितना भी हमने ब्लैक या वाइट फॉन्ट पे या कोई भी दूसरे कलर में दिखता है वो मैं वैसे बताता जाऊंगा कि आपको क्या क्या लिखना है नोट्स के अंदर. फिलहाल ये स्नैपशॉट लिखोगे, सेक्शन हाइलाइट्स, विच पर्टिकुलर प्रोविजंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम. कौन कौन से प्रोविजन हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं उसका एक छोटा सा ये लिस्ट है. पहले जल्दी से ये लिस्ट लिख लो. 1.5 मिनट. Start fast. Scale pencil use करो.
अच्छा लगेगा प्रेजेंटेशन वाइज, बराबर से लिखो, वेरी गुड। यार आई कार्ड नहीं पहना बहुत जनों ने आज, अभी जिसने आई कार्ड नहीं पहना खड़े खड़े लिखो, गलत बात, आई कार्ड तो पहनना पड़ेगा, आइडेंटिटी है, एक गहना है जो हमेशा पहनना है। डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आजू बाजू की आवाज से, कॉन्सेंट्रेट करो इसके ऊपर, मेक इट फास्ट। नजर स्क्रीन के ऊपर, मेरे चेहरे में कुछ खास देखने लायक नहीं है, मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, लिखते जाओ फास्ट। चलो रेडी, पहली बार में कभी हाँ बोला ही नहीं। चलो लेट अस बिगिन द डिस्कशन। वी स्टार्ट विथ सेक्शन 22, बेसिस ऑफ चार्ज। फिर से एक बार, विच इनकम इज चार्जेबल एंड विच इनकम इज नॉट चार्जेबल इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 22। लेकिन सेक्शन 22 का पॉइंट समझे, उसके पहले थोड़े क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे। वो क्वेश्चन क्या क्या दिमाग में आएंगे, मतलब जितने भी आते हैं उसको भी दिमाग में ही रखो, एंड लेट द डिस्कशन गेट्स ओवर अप टू सेक्शन 27 फर्स्ट। तब तक मैं सारे दिमाग के डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सेक्शन 22 की शुरुआत पे आते हैं। उसके पहले आप लोग पहले आ जाओ अपनी नौकार स्पाइरल के ऊपर, जल्दी से नौकार स्पाइरल हाथ में ले लो, जहां से टॉपिक स्टार्ट होता है थियोरेटिकल पोर्शन पे आ जाओ। विल गो वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। रेडी, हाथ में पेंसिल रखोगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाओगे, शुरू करें। ओके, हाउस प्रॉपर्टी इज द ओनली हेड ऑफ इनकम अंडर विच नोशनल इनकम इज ऑल्सो चार्जेबल। नोशनल इनकम इज ऑल्सो चार्जेबल। वॉट इज नोशनल इनकम? समथिंग विच इज नॉट रियल। सो इसको अंडरलाइन करो, नोशनल इनकम वर्ड्स को अंडरलाइन करो। नोशनल मीन्स समथिंग विच इज नॉट रियल, मतलब कि अर्न नहीं किया फिर भी उसके ऊपर टैक्स भरना पड़े, ऐसा हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद वाला सेंटेंस अगर पढ़ो एक बार, आई विश कि पहले आप लोग पढ़ो इंग्लिश सिंपल। अच्छा, डू यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग?
कितना सिंपल सा लिखा है, कंप्यूटेशन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बिकम्स इजी व्हेन प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, अंडरलाइन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, व्हेन प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। समझने में क्या है, प्रॉपर्टी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स मतलब क्या? सर प्रॉपर्टी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया होगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया होगा मतलब क्या? तो भाई ये प्रॉपर्टी जो है वो आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है कि आप सेल्फ रेसिडेंस के लिए यूज करते हो कि बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करते हो, कौन से पर्पस के लिए प्रॉपर्टी का यूज है, ऐसा क्लासिफिकेशन अगर किया हो, मतलब कि इफ प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स देन कैलकुलेशन बिकम्स इजी। हाँ सर इसमें क्या है, समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग इज यूज फॉर मोर देन वन पर्पस, देन फ्लोर एरिया क्लासिफिकेशन मतलब कि परसेंटेज क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। परसेंटेज क्लासिफिकेशन का मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मस्त बिल्डिंग है, क्या बिल्डिंग बनाया है, जैसे रईस लोगों के ऐसे बिल्डिंग हो सकते हैं, बाकी किसी का नहीं हो सकता है, यू नो थ्री स्टोरी बिल्डिंग इंक्लूडिंग दैट ग्राउंड फ्लोर एज यू कैन सी यू आर यूजिंग इट फॉर योर बिजनेस पर्पस, खुद के बिजनेस के लिए यूज करते हो। अब खुद के बिजनेस के लिए यूज करते हो तो वो प्रॉपर्टी आपका रेंटल इनकम तो नहीं कमा के देने वाला है, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी के हेड में कवर ही नहीं करना है। अच्छा फर्स्ट फ्लोर जो है एक्स्ट्रा है, भाड़े पे दे दिया, लेट आउट। और सेकेंड फ्लोर जो है विथ टेरेस राइट्स, वेरी नाइस, टेरेस पे खड़े हो, अच्छा है, किसी के साथ पता नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब कि ओन रेसिडेंस मतलब कि खुद रहते हो वहां पे। तो व्हाट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज, वो सेंटेंस क्या बोलता है, इफ प्रॉपर्टी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स मतलब परसेंटेज क्लासिफिकेशन होना चाहिए, परसेंटेज क्लासिफिकेशन होना चाहिए मतलब हाउ मच प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग, मतलब कि हाउ मच पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग फॉर योर बिजनेस, से फॉर एग्जाम्पल 40%, हाउ मच इज लेट आउट जो अपना फर्स्ट फ्लोर है फॉर एग्जाम्पल 30%, एंड हाउ मच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड दैट इज द सेकेंड फ्लोर जे बाकी का 30%। फाइन, इफ दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इज डन देन ओनली कॉम्पिटिशन बिकम्स ईजी। अगर ये क्लासिफिकेशन नहीं किया होगा तो क्या होगा, तो फिर से वो नोशनल इनकम पिक्चर में आ जाएगा। मतलब इफ दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट डन, फॉर एग्जाम्पल द एन्यूअल वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज 10 लैक्स, अगर इस प्रॉपर्टी का एन्यूअल वैल्यू 10 लाख है और ये परसेंटेज नहीं किया, मतलब कि कितना बिजनेस के लिए यूज करते हो, कितना ओन रेसिडेंस का है, कितना लेट आउट किया है, ये सब आपने नहीं देखा है, मतलब कि क्लासिफिकेशन नहीं करके रखा है, तो पूरा 10 लाख 10 लाख एन्यूअल वैल्यू नोशनल इनकम विल बी टैक्सेबल, कि इसको लेट आउट हाउस ही माना जाएगा। फाइन, सो टैक्सेबिलिटी पर्पस प्रॉपर्टी शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जितना बिजनेस वाला प्रॉपर्टी है उसको हम यहां पे कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि अपने पास एक अलग हेड ऑफ इनकम है ऑलरेडी बिजनेस एंड प्रोफेशन, सो बिजनेस प्रोफेशन के हेड में लेके जाएंगे। लेट आउट पोर्शन जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, और सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन रहेगा तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब खुद के रेसिडेंस के लिए, लेकिन यू कैन नॉट टेक रेंट फ्रॉम योर सेल्फ, खुद के पास से तो रेंट नहीं मिल सकता है, सो इन दैट केस सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, एन्यूअल वैल्यू विल बी निल। सो यू हैव टू क्लासीफाई द प्रॉपर्टी इंटू वेरियस यूज, मतलब कि आपकी यूज के हिसाब से क्लासीफाई करना पड़ेगा, हाउ मच इज फॉर बिजनेस, हाउ मच इज लेट आउट, हाउ मच इज यूज फॉर ओन रेसिडेंस, दैट इज वॉट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस सजेस्ट। और अगर ये क्लासिफिकेशन नहीं किया है तो नोशनल इनकम पिक्चर में आता है, एंड एंटायर वैल्यू ऑफ द हाउस दैट इज एन्यूअल वैल्यू विल बी टैक्सेबल। फाइन, सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर्टी का डिविजन बराबर से करना है और नोशनल इनकम टैक्सेबल हो सकता है। ओके, सो अराउंड 30 मिनट्स के डिस्कशन के बाद हम लोग अब पहुंच रहे हैं अपने एक्चुअल प्रोविजन के ऊपर।
Now we are actually starting off with the provision of income from house property. We'll begin with section 22, chargeability. Chargeability matlab basis of charge. Basis of charge matlab taxability. Taxability matlab which income is chargeable and which income is not chargeable as income from house property. Fine. अब वापस चले जाओ नवकार स्पाइरल के अंदर. फर्स्ट एंड सेकंड पोर्शन देख लिया है. उसके नीचे जो है वो स्नैपशॉट सेक्शन हाईलाइट से जो हमने लिख ली है. अब उसके नीचे सेक्शन 22 का जो हेडिंग है बेसिस ऑफ चार्ज उसके ऊपर आ जाओ. आगे चलो लेट अस टेक बेसिस ऑफ चार्ज वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्राइजेज ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट दैरटू ऑफ विच असेसी इज द ओनर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. समझ में आ गया. विच इनकम इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सी बेसिकली पूरा प्रोविजन जो है सेक्शन 22 सिर्फ तीन वर्ड्स के ऊपर है. ओनली थ्री वर्ड्स आर देर. तीन वर्ड्स. फर्स्ट ओनरशिप, दूसरा प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट, और तीसरा एनुअल वैल्यू. सी प्रॉपर्टी वर्ड को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है. हाँ, प्रॉपर्टी के अंदर तो फर्नीचर भी हो सकता है, प्लांट मशीनरी व्हीकल्स इक्विपमेंट्स एवरीथिंग इज योर प्रॉपर्टी. बट हियर प्रॉपर्टी वर्ड इज वेरी वेल डिफाइंड. व्हाट इज प्रॉपर्टी? बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट देयर टू. बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट इज योर प्रॉपर्टी. सो तीन ही वर्ड है अपने पास. असेसी ओनर होना चाहिए. असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. दूसरा प्रॉपर्टी के अंदर क्या इंक्लूड करेंगे? तो बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट. और तीसरा एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी चार्जेबल. तो इसके अंदर थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे. यू विल अंडरलाइन व्हाट? बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट. असेसी इज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड एन्युअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी चार्जेबल. एन्युअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. फाइन. नाउ फिर से एक बार. विच इनकम इज चार्जेबल इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? तो एन्युअल वैल्यू. एन्युअल वैल्यू मतलब क्या? जो हमने डिस्कस किया था, रेंट, गवर्नमेंट डिसाइडेड वैल्यू, अपना रेंट, विच एवर इज हायर वाला. कौन सी प्रॉपर्टी का? तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसका असेसी ओनर हो. एंड प्रॉपर्टी का मतलब क्या? तो बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पैराग्राफ. इफ असेसी ऑक्यूपाइज द बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग और पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑब्वियसली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम. बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम. दैट प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉम्पिटिशन ऑफ एन्युअल वैल्यू एंड नॉट चार्जेबल टू टैक्स. फाइन. सो वॉट इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ? इफ असेसी ऑक्यूपाइज द बिल्डिंग और पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग, मतलब कि या तो पूरा बिल्डिंग या तो पोर्शन, मतलब आगे जो हमने देखा 40% जितना पार्ट यूज फॉर द ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन. प्रॉपर्टी का यूज क्या है? तो ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन का है. तो उसको यहां से एक्सक्लूड कर दिया है. यहां से एक्सक्लूड कर दिया मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी के हेड में से ही एक्सक्लूड कर दिया. सेक्शन 22 से ही बाहर निकाल दिया. एज इट इज टू बी कवर्ड अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. उसको कहां पे कवर करेंगे? बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर. ओके, सो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करोगे आप लोग. फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑन कैरिड ऑन बाय बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम एक्सक्लूडेड. सो वो पोर्शन विच इज यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, उतना प्रॉपर्टी या तो उतना पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. उसको हाउस प्रॉपर्टी के हेड में कवर नहीं करना है. सो एज आई सेड ओनली थ्री इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर देयर. तीन ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे. क्या तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे? फर्स्ट असेसी मस्ट बी ओनर, सेकेंड बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट मतलब की प्रॉपर्टी, एंड थर्ड एन्युअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी चार्जेबल. ओनली थ्री वर्ड्स आर देयर. थ्री वर्ड्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड.
फर्स्ट पैराग्राफ को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ये ब्लू फॉन्ट्स में जो है लिखना नहीं है, डोंट राइट, इट इज ऑलरेडी देयर इन योर नवकार स्पाइरल। सिर्फ मैंने जितना बोला था उतना अंडरलाइन करना है। अब हम इसको थोड़ा डिटेलिंग में लेके जाते हैं। प्रोविजन में सिर्फ इतना ही है, सेक्शन 22 कवर्स ओनली दिस मच ऑफ थिंग, दैट इज प्रॉपर्टी क्या है, बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट है, असेसी ओनर होना चाहिए, एनुअल वैल्यू है, प्रॉपर्टी का यूज बिजनेस प्रोफेशन का नहीं होना चाहिए, बस इतना लिखा है सेक्शन 22 के अंदर। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। डिटेल में क्या समझेंगे, तो लेट अस टेक वन बाय वन। फर्स्ट थिंग आई सेड, असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सी फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, मतलब उसके पास एक प्रॉपर्टी है। ही हैज लेट आउट द प्रॉपर्टी टू मिस्टर वाई, उसने उसका प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को भाड़े पे दिया। मिस्टर वाई हैज लेट आउट सेम हाउस प्रॉपर्टी टू मिस्टर जेड, मिस्टर वाई ने वही हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर जेड को भाड़े पे दे दी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? ट्रांजेक्शन समझ में आया? मिस्टर एक्स के पास एक प्रॉपर्टी है, ही हैज लेट आउट द प्रॉपर्टी टू मिस्टर वाई, मिस्टर वाई सेम प्रॉपर्टी लेट आउट टू मिस्टर जेड, ऑफकोर्स विथ परमिशन ऑफ मिस्टर एक्स। समझ में आया? देखते हैं ऐसा कुछ हुआ। मिस्टर एक्स प्रॉपर्टी लेट आउट टू मिस्टर वाई, मिस्टर वाई सेम प्रॉपर्टी लेट आउट टू मिस्टर जेड। नाउ टेल मी, वू विल पे रेंट टू हुम, कौन किसको रेंट पे करेगा? सबसे पहले मिस्टर जेड विल पे रेंट टू मिस्टर वाई। मिस्टर जेड तो मिस्टर वाई को रेंट पे करेगा, क्योंकि मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को भाड़े पे दिया है प्रॉपर्टी। क्या मिस्टर वाई भी कोई रेंट पे करेगा? क्या मिस्टर वाई कोई रेंट पे करेगा? यस, विल पे रेंट टू मिस्टर एक्स, क्योंकि उसने मिस्टर एक्स से भाड़े पे लिया है। ओके, ट्रांजेक्शन सिंपल है। मिस्टर एक्स के पास की प्रॉपर्टी उसने मिस्टर वाई को भाड़े पे दे दी, मिस्टर वाई ने वही प्रॉपर्टी मिस्टर जेड को भाड़े पे दे दी, ऑफकोर्स विथ परमिशन ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर जेड इज पेइंग रेंट टू मिस्टर वाई, मिस्टर वाई इज पेइंग रेंट टू मिस्टर एक्स। अब इसमें सवाल, क्या मिस्टर वाई ओनर है? वेदर मिस्टर वाई इज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी? नो, नॉट द ओनर। अगर वो ओनर नहीं है तो उसको जो रेंट मिला मिस्टर जेड के पास से, उसको जो रेंट मिला, दैट इनकम इज चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्यों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस? क्योंकि मिस्टर वाई ओनर नहीं है। सेक्शन 22 की अपनी पहली रिक्वायरमेंट क्या? असेसी मस्ट बी ओनर, इफ नॉट द ओनर देन टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या मिस्टर एक्स ओनर है? यस सर, ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इफ ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, देन वॉट एवर रेंट रिसीव्ड बाय हिम विल बी चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, फॉर वेरी फर्स्ट पॉइंट, असेसी मस्ट बी ओनर। असेसी मस्ट बी ओनर मतलब असेसी ओनर होना चाहिए। असेसी ओनर होना चाहिए मतलब मिस्टर एक्स इन दिस केस इज द ओनर, तो उसके लिए इनकम इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर वाई इज रिसीविंग द सेम नेचर ऑफ इनकम, माइंड वेल। मिस्टर एक्स को पूछो क्या मिला? हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मिला। मिस्टर वाई को पूछो क्या मिला? हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मिला। नेचर ऑफ इनकम इज एब्सोल्युटली सेम, बट मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, सो फॉर हिम इट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर वाई इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, सो फॉर हिम इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, अब इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, खास करके एमसीक्यूज के अंदर, या तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर, या तो फिर वन लाइन आंसर के अंदर। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिस्टर वाई टू मिस्टर जेड जो लेट आउट है उसका एक एमसीक्यू हो सकता है कि ये इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी। ट्रांजेक्शन समझ लेते हैं। मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई जो ट्रांजेक्शन हुआ, इट इज लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। मिस्टर वाई टू मिस्टर जेड, सब लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, सब लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई, लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी।
Mr. Y to Mr. Z, subletting of property. Income from subletting of property will be chargeable as income from other sources. Reason? Assessee is not the owner of the property. Income from letting of property will be chargeable as income from house property. This kind of questions can be there MCQ ke andar. Ki income from letting of property is chargeable as, income from subletting of property is chargeable as. Okay. Many a times, if you see the past papers, questions aate, you are given 7-8 different incomes. 7-8 alag alag income di hai aapko. You have to identify whether this income is taxable or exempt. And if it is taxable, under which head it is taxable. Matlab ki ye income taxable hai ki exempt hai. Aur agar taxable hai, to kaun se head mein taxable hogi. In that, this kind of question can also be there. Income from subletting of property. Bas itna likha hoga. You have to identify whether it is taxable or exempt. And if it is taxable, under which particular head of income it is taxable. Okay. Ye pura example aapko Navkar Spiral mein nahi dikh raha hai. Aur jo Navkar Spiral mein nahi dikh raha hai, usko likhna padega. Compulsory. Mere lecture ke andar compulsory likhna hai. Phir se yaad karata hu ek bar. One time writing is 5 times reading. So now you start writing. Heading laga do basis of charge ka. Uske andar ye ek first point likho. The assessee must be owner of the property. Uske niche iska ye ek chota sa example. Make it fast. 2 minutes. ओके फर्स्ट वर्ड समझ लिया अभी बाकी 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 ओके ओके चलो रेडी फर्स्ट वन वॉज असेसी मस्ट बी ओनर सेकेंड रिक्वायरमेंट दूसरा पॉइंट क्या था प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट चलो लेट अस टेक दिस सेकेंड पॉइंट नाउ प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट देयर टू बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट मतलब लैंड अटैच टू द बिल्डिंग तुम लोग पढ़ते भी हो साथ में मैं जितना बोलता हूँ बस जितना बोला अंडरलाइन किया कर लिया फिर साथ में देखने का नहीं नवकार स्पाइरल के अंदर थोड़ी मिस्टेक्स जानबूझ के रखिए बड़ी बड़ी बुक में छोटी छोटी गलतियाँ हो नहीं जाती जानबूझ के रखी जाती है हाँ देखो लैंड अपर्टेनेंट स्पेलिंग ए डबल पी के बाद यू आएगा रेक्टिफाई हाँ वेरी गुड चलो सेकेंड रिक्वायरमेंट प्रॉपर्टी दैट इज बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट सिंपल एग्जाम्पल है लेकिन आराम से समझना बीच में कुछ भी पूछना या सोचना मत पहले अच्छे से समझ लेना अच्छे से सुन लेना ओके फिर से एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर एक्स ध्यान से मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ अ वैकेंट प्लॉट प्लॉट समझते हो कोई स्टोरी नहीं बे प्लॉट वैकेंट प्लॉट खुली जमीन मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ अ वैकेंट प्लॉट ही हैज लेट आउट दिस प्लॉट टू मिस्टर वाई
उसने ये प्लॉट मतलब कि वैकेंट साइट मतलब कि खुली जमीन मिस्टर वाई को लीज पे दे दी, लेट आउट फॉर 25 ईयर्स लीज, 25 साल लीज पे दे दी। मिस्टर वाई हैज कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग, मिस्टर वाई हैज कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग ऑन दिस प्लॉट ऑफकोर्स विथ परमिशन ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर वाई ने इस प्लॉट के ऊपर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दिया ऑब्वियसली विथ परमिशन ऑफ मिस्टर एक्स। क्लियर हो गया अभी तक? देन मिस्टर वाई हैज लेट आउट दिस बिल्डिंग टू मिस्टर जेड। मिस्टर वाई ने यह बिल्डिंग मिस्टर जेड को भाड़े पे दे दिया। ओके, पूरा एग्जाम्पल फिर से एक बार। मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ अ वैकेंट प्लॉट, ही हैज लेट आउट द प्लॉट टू मिस्टर वाई अंडर लीज ऑफ 25 ईयर्स। मिस्टर वाई हैज कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ऑन दिस प्लॉट एंड देन मिस्टर वाई हैज लेट आउट दिस बिल्डिंग टू मिस्टर जेड। ट्रांजेक्शन इज समथिंग लाइक दिस। मिस्टर एक्स वैकेंट प्लॉट, लीज 25 ईयर्स टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस प्लॉट एंड लेट आउट टू मिस्टर जेड। ओके, नाउ हु विल पे रेंट टू हूम, कौन किसको रेंट पे करेगा? तो मिस्टर जेड विल पे रेंट टू मिस्टर वाई, ये तो करेगा ना रेंट बिल्डिंग का। हाँ, मिस्टर वाई विल ऑल्सो पे रेंट, लीज रेंट टू मिस्टर एक्स ऑब्वियसली। नाउ लेट अस आइडेंटिफाई नेचर ऑफ इनकम। आराम से सोच समझ के बताना नेचर ऑफ इनकम। मिस्टर एक्स इज रिसीविंग रेंट फॉर व्हाट? मिस्टर एक्स इज रिसीविंग रेंट फॉर ओनली वैकेंट प्लॉट, ओनली वैकेंट प्लॉट, खुली जमीन, याद रखना। मिस्टर वाई इज रिसीविंग रेंट फॉर बिल्डिंग, मिस्टर वाई इज रिसीविंग रेंट फॉर द बिल्डिंग। ओके, अपना सेंटेंस फिर से एक बार ऊपर पढ़ लेते। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट। नाउ मिस्टर एक्स रिसीविंग रेंट ओनली फॉर द वैकेंट साइट, वैकेंट प्लॉट, मतलब कि सिर्फ प्लॉट के लिए उसको रेंट मिला। देन दैट रेंटल इनकम इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्यों 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 देखते हैं क्यों। मिसिंग है, मिसिंग है। मिस्टर एक्स इज रिसीविंग रेंट ओनली फॉर द वैकेंट प्लॉट, इसके अंदर बिल्डिंग ही नहीं है भाई। और अगर बिल्डिंग नहीं है तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं हो सकती। ओके, क्लियर? अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। रेंट रिसीव्ड फॉर द वैकेंट साइट या तो वैकेंट प्लॉट या तो वैकेंट लैंड, इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। व्हाई इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? बिकॉज बिल्डिंग सुपरस्ट्रक्चर इज नॉट देयर। अगेन इनकम ओनली फॉर द वैकेंट प्लॉट, इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स दिस इनकम इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर? नाउ कमिंग टू मिस्टर वाई, पहले थोड़ा अच्छा अच्छा कर देते हैं इसको। मिस्टर वाई इज रिसीविंग रेंट फॉर बिल्डिंग, मिस्टर वाई इज रिसीविंग रेंट फॉर बिल्डिंग। ओके, फिर से देखते हैं। मिस्टर वाई इज रिसीविंग रेंट फॉर बिल्डिंग, और अगर बिल्डिंग है तो हवा महल तो होगा नहीं, साथ में जमीन भी तो होगी। सो ही इज रिसीविंग रेंट फॉर बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट, बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट। सो मिस्टर एक्स इज रिसीविंग रेंट फॉर बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट। सो फॉर हिम दिस रेंटल इनकम, उसके लिए ये रेंटल इनकम चार्जेबल एस क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा? चार्जेबल एस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
Sannata. Any questions? Yes, of course, yes, questions are there in the mind. Let it be as it is. जो भी question दिमाग में आया है अभी दिमाग में ही रखो. I am coming back to that point. मुझे पता है आपका जो bright bright, हाँ बहुत सारे दिख रहे हैं, जितने भी bright bright students है उसके दिमाग में ऐसा question आया ही है. मतलब जो लोग जाग रहे हैं, बाकी सब लोग ब्राइट ही है, स्मार्ट है, यू आर विथ नौका, डोंट वरी. ओके, फिर से एक बार नेचर ऑफ इनकम के ऊपर आता हूं, उसके बाद आपके पॉइंट, आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन या क्वेरी जो है उसका आंसर लेता हूं. मिस्टर एक्स इज रिसीविंग रेंट ओनली फॉर द वैकेंट प्लॉट, सो फॉर मिस्टर एक्स इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. मिस्टर वाई इज रिसीविंग रेंट फॉर बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट, सो फॉर मिस्टर वाई द इनकम इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. नाउ हियर द क्वेश्चन इज, मुझे बताया आपका सवाल क्या है. हियर द क्वेश्चन इज, सर मिस्टर वाई ओनर नहीं है. आपने पहले बताया कि मिस्टर मतलब कि असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो इसमें मिस्टर वाई इज नॉट द ओनर. ही इज नॉट द ओनर ऑफ कोर्स, बट फॉर द टाइम बीइंग अज्यूम ही इज ओनर. अभी अज्यूम कर लो. क्यों अज्यूम करें सर, हम कैसे ऐसे अज्यूम कर ले. अभी अज्यूम कर लो कि मिस्टर वाई ओनर है. हमने क्यों ऐसा अज्यूम किया वो हम लोग सेक्शन 27 में डिस्कस करेंगे. वेल व्हेन वी विल टेक द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27 दैट इज डीम्ड ओनर, तब डिस्कस करेंगे कि मिस्टर वाई इन दिस पर्टिकुलर केस, दिस इज अ लीज ट्रांजेक्शन, दिस इज अ लीज ट्रांजेक्शन. इफ इट इज अ लीज ट्रांजेक्शन, डीम्ड ओनर कंसेप्ट विल बी देयर. डीम्ड ओनर का प्रोविजन पिक्चर में आएगा, लेकिन डीम्ड ओनर क्या है हम लोग सेक्शन 27 के साथ डिस्कस करेंगे. फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ नेचर ऑफ इनकम के ऊपर रहना है. इफ यू आर रिसीविंग रेंट ओनली फॉर द वैकेंट प्लॉट, ओनली फॉर द वैकेंट प्लॉट इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इफ यू आर रिसीविंग रेंट फॉर बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट, इट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इन दिस केस मिस्टर वाई अज्यूम टू बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, करेक्ट. सो दिस वन इज द सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट वॉज असेसी मस्ट बी ओनर, सेकेंड पॉइंट बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट, बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट. नाउ टेक डाउन दिस, जल्दी से लिख लो, फास्ट, थोड़ा क्लियर कर देते हैं. हर बार हेडिंग नहीं लिखना है, एक बार लिख लिया सेक्शन 22 बेसिस ऑफ चार्ज, वो फिर से थोड़ी लिखना है. उसके नीचे हेडिंग तो हेडिंग ही रहेगा भाई. मेरे फेस में कहाँ कुछ देखने लायक है, सुहाना ही है, वो नहीं देखना है, लिखना भाई. अरे वो विदाउट आई कार्ड वाले खड़े खड़े लिख रहे थे, बैठ जाओ. हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, कल से ध्यान रखना. वेरी गुड, थोड़ा मिलिट्री जैसा लगना चाहिए, डिसिप्लिन, यू नो दैट इज ओनली गोइंग टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स. लिख लिया, एक बार लिख लिया, जितना भी एक्स्ट्रा लिखना था आजू बाजू का सब लिख लिया. शैल वी प्रोसीड? सर वन मिनट.
आगे बढ़े, शैल वी प्रोसीड? यस सर. फर्स्ट वर्ड एसएससी ओनर, सेकेंड वर्ड बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट, थर्ड वर्ड एन्युअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी चार्जेबल. एन्युअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. ओके, अब पहले तो ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है. सर बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट अभी तो बताया, बिल्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो बिल्डिंग मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शुड इट बी नेसेसरीली रेसिडेंशियल हाउस ओनली? नो, इट मे बी रेसिडेंशियल हाउस, इट मे बी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सिनेमा थिएटर, मल्टीप्लेक्स, होटल, हॉस्पिटल, एनीथिंग, बट इट शुड बी आइदर सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट, शुड नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन. रिमेंबर दैट प्रोविजन. अभी अभी जो हमने डिस्कस किया, अभी अभी जो हमने देखा पढ़ा, अंडरलाइन भी किया, बिल्डिंग का यूज क्या होना चाहिए? या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब ओन रेसिडेंस, या तो लेट आउट, लेट आउट मतलब भाड़े पे दिया हो. करेक्ट. सो बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट, बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट दिख रहा है? हाँ सर. लैंड अपर्टेनेंट नहीं दिख रहा है सर. लैंड अपर्टेनेंट मतलब एवरीथिंग विच इज अटैच टू दिस बिल्डिंग. जो छोटा सा स्विमिंग पूल दिख रहा है ना, वो भी उसी का पार्ट है. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिल्डिंग, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लैंड अपर्टेनेंट. सो उसका भी वैल्यू इंक्लूड करना पड़ेगा सर. वो कैसे? द एन्युअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. व्हाट इज एन्युअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी? एन्युअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी तो हमने देखा है सर, बहुत बार देखा है. वो गवर्नमेंट डिसाइडेड वैल्यू, या तो अपना रेंट, विच एवर इज हायर. गवर्नमेंट डिसाइडेड वैल्यू कैसे आएगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, सो बिल्डिंग आइदर सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट, बट शुड नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन. एंड द एन्युअल वैल्यू ऑफ एंटायर प्रॉपर्टी, एन्युअल वैल्यू ऑफ एंटायर प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. फाइन. सो बिल्डिंग का यूज क्या होना चाहिए? या तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, या तो लेट आउट होगा. सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब ओन बिजनेस, लेट आउट मतलब भाड़े पे दिया. भाड़े पे देने का पर्पस रेंट कमाना ऐसा नहीं, सामने वाले का पर्पस, सामने वाले का पर्पस रहना ऐसा जरूरी नहीं है. बिकॉज इट मे बी रेसिडेंशियल हाउस, इट मे बी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इट मे बी सिनेमा थिएटर, मल्टीप्लेक्स, होटल, हॉस्पिटल, एनीथिंग. फाइन. बट बिल्डिंग शुड नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन. ओके, एक सवाल है, थोड़ा ऑफ बीट है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्चुअली द करिकुलम, बट लेट अस, लेट मी आस्क समथिंग. यू नो ये वर्ड सुना है, सुपर बिल्टअप? सुपर बिल्टअप सुना है? अच्छा, दो तीन जन ने सुना है शायद. ओके, कोई बात नहीं, चलेगा. सुपर सुपर बिल्टअप सुना है? सर सादा सुपर बिल्टअप नहीं सुना, तुम सुपर सुपर बिल्टअप के ऊपर लेके जा रहे. कोई बात नहीं, चलेगा. यू नो सुपर बिल्टअप इज समथिंग लाइक दिस. थोड़ा सा ड्राइंग ट्राई करते हैं. सी आई एम नॉट एम एफ हुसैन, इवन नॉट फाइनल सर. सो ड्राइंग थोड़ा समझ लेना. ये सब क्या कर रहे हो सर? सब क्या ड्राइंग कर रहे हो सर? थोड़ा थोड़ा विजुलाइज करो, क्या है ये, क्या हो सकता है, विजुलाइज. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज सुपर बिल्टअप. यू नो सुपर बिल्टअप? नहीं? अच्छा,
अच्छा, क्या विजुलाइज किया बताओ? ट्रॉफी, ये हैंडल रखा है भाई पकड़ने के लिए इधर, मग मग, अ बिग मग। हाँ, वेरी गुड। इसके अंदर क्या है ये? क्या 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 पोर किया है इसके अंदर? व्हाट इज देयर इन? चाय। इतने बड़े कप में कोई चाय पिएगा? कुछ भी। सी, इसमें ऊपर से कुछ लिक्विड डाल रहे हम। कौन सा लिक्विड? कुछ विजुलाइज विजुलाइज। पापी, गुजरात जैसे ड्राई स्टेट में है और ऐसी ऐसी बातें करता है। सोडा, विजुलाइज सोडा। अगर सोडा जो है उसको ग्लास में पोर करते हैं, जैसे कोई मग में, तो क्या होगा? तो इतना भर जाएगा और ऊपर बचेंगे सब सिर्फ बबल्स, यू नो। इतना भर गया, ऊपर बच गया बबल्स, तो सवाल ऐसा है कि पैसा कितने का देने का? सिर्फ ये पोर्शन का कि इसका भी पैसा देना पड़ेगा? फुल ग्लास, इसका पैसा देना पड़ेगा ना? इस पोर्शन का पैसा देना पड़ेगा ना? इस पोर्शन का पैसा देना पड़ेगा, लेकिन यूज करने तो इतना ही मिलेगा। यूज करने तो सिर्फ नीचे ही मिलने वाला है पोर्शन, ऊपर का तो कुछ यूज करने मिलने नहीं वाला है, फिर भी पैसा देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सुपर बिल्डअप। नहीं समझे? सी, बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट। बिल्डिंग मतलब जो एक्चुअली यूज करते हैं, लैंड अपर्टेनेंट मतलब जो एक्स्ट्रा पोर्शन है विच इज अटैच द बिल्डिंग। समझ गए? नहीं। ओके, सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूं, इसको जाने देते हैं अभी। ये सब खराब खराब चीजें हैं। कभी भी कोई प्रॉपर्टी परचेस करे, व्हेन यू परचेस एनी फ्लैट फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो फ्लैट परचेस किया है उसमें जितना बोला होगा उतना होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू परचेस से अ फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फिट, 1000 स्क्वायर फिट का फ्लैट परचेस किया, आर्किटेक्ट को बुलाया, उसने एक्चुअल मेजरमेंट लिया, एंड द एक्चुअल मेजरमेंट कम्स टू 700, गुस्सा आएगा। 1000 स्क्वायर यार्ड, 1000 स्क्वायर मीटर या 1000 स्क्वायर फिट का आपने खरीदा है, एक्चुअल मेजरमेंट सिर्फ 700 है, बाकी का 300 किधर है पता नहीं। सो आप गए बिल्डर के पास, मतलब 1000 का पैसा लेता है, 700 देता है, वेयर इज दैट रिमेनिंग 300? वो समझाएगा आपको कि भैया जो आपका ये फ्लैट है ये पिलर पे है, वो पिलर ने भी जगह रोक के रखी है थोड़ी। अच्छा, नीचे एक खुला मैदान है, प्ले एरिया, गार्डन है, सिक्योरिटी कैबिन है, अलॉटेड पार्किंग स्पेस है, ये सब भी आपके बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं। सो वो 1000 में से 700 आप यूज कर रहे हो, 700 यूज कर लिया और 300 यूज करने नहीं मिल रहा है, लेकिन है तो आपका पार्ट, वो पिलर ने रोकी हुई जगह है, या तो आपके घर से मेन रोड तक जाने का जो रास्ता बना है, या तो नीचे जो गार्डन में आपका शेयर जितना होगा, प्ले एरिया में आपका शेयर जितना होगा, जितना अलॉटेड पार्किंग आपका खुद का होगा, वो सब छोटा छोटा पॉइंट जो है ना उसको मिलाते जाओ तो बाकी का 300 मिल जाएगा। सो व्हाट इज दैट बाकी का 300? इट इज लैंड अपर्टेनेंट विच इज अटैच टू द बिल्डिंग। सो एवरीथिंग विच इज अटैच टू द बिल्डिंग इज लैंड अपर्टेनेंट। सी इन दिस पिक्चर, ये बिल्डिंग जो है आपका, दिस इज बिल्डिंग एंड दिस इज लैंड अपर्टेनेंट। एवरीथिंग विच इज अटैच टू द
building is a part of property, and annual value of this entire property, pure property ka annual value will be chargeable. Pure property ka annual value will be chargeable. Fine. So annual value of the entire property will be taxable. Okay. So first word was assessee must be owner. Second word is property, that is building and land appurtenant. And third word, annual value will be chargeable. Annual value of the property will be taxable. Okay. Iske andar. Fir se ek bar. What is building? So building may be residential house, may be commercial complex, may be godown, may be multiplex, cinema theater, may be hotel, hospital, anything. But it should not be, that building should not be incomplete unit. Should not be incomplete unit or temporary construction. ये बिल्डिंग जो है वो इनकम्प्लीट यूनिट नहीं होना चाहिए या टेम्पररी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए. ओके. सो बिल्डिंग जो होगा वो रेसिडेंशियल कॉमर्शियल कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से आपके कोई इनकम आती है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मतलब आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और इन बिटवीन दैट वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड कोई आता है आपके पास, कोई मूवी डायरेक्टर फॉर एग्जाम्पल, और वो बोलते हैं कि आपका ये लोकेशन बहुत अच्छा है, हमें यहाँ पे एक छोटा सा शूटिंग करना है, और वो शूटिंग के लिए आपने ये बिल्डिंग उसको भाड़े पे दिया विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, और उसमें से कुछ रेंट मिला, देन दैट रेंटल इनकम, उसमें से जो रेंट मिला दैट रेंटल इनकम इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इट इज नॉट द हाउस प्रॉपर्टी इनकम. रीजन इट इज इनकम्प्लीट यूनिट. सेम वे टेम्पररी कंस्ट्रक्शन, कोई टेम्पररी पीरियड के लिए कोई कंस्ट्रक्शन करके रखा हो. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास खुली जमीन है, बाम्बू लगा के तंबू बनाया, तंबू ऐसे थोड़ी बनेगा, बाम्बू तो चाहिए ना. हाँ, बाम्बू लगा के तंबू बनाया, सर्कस वाले को भाड़े पे दिया, और एक दो महीने का भाड़ा मिला, दैट इनकम इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, या तो बिजनेस इनकम, इट इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. रीजन, बिल्डिंग इज आइदर इनकम्प्लीट यूनिट और टेम्पररी कंस्ट्रक्शन. सो बिल्डिंग के अंदर रेसिडेंशियल कॉमर्शियल कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन या इनकम्प्लीट यूनिट नहीं होना चाहिए. ओके. लैंड अपर्टेनेंट, दैट इज एवरीथिंग विच इज अटैच टू द बिल्डिंग. एवरीथिंग अटैच टू द बिल्डिंग मतलब अप्रोच रोड टू द मेन रोड, मेन रोड तक जाने का जो रास्ता बना के रख दिया है सोसाइटी ने आपको, गार्डन, किचन गार्डन, प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, इवन स्टेबल हाउस, बैकयार्ड, एवरीथिंग कैन बी देयर. आजकल के तो नए नए हाईटेक अपार्टमेंट्स के अंदर यू फाइंड गोल्फ कोर्स ऑल्सो, क्लब हाउस, जिम, ऑल दिस आर कंसिडर्ड टू बी लैंड अपर्टेनेंट, दैट इज लैंड अटैच टू द बिल्डिंग. फाइन. सो बिल्डिंग, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, एनीथिंग, लैंड अपर्टेनेंट, एवरीथिंग विच इज अटैच टू द बिल्डिंग. पहले इतने दो पॉइंट लिखो, फिर हम आगे केस स्टडीज के ऊपर जाते हैं. जल्दी से, फास्ट, एक मिनट के अंदर इतना लिख लो. मेक इट फास्ट. लेट मी क्लियर दिस. चल्ली चल्ली चल्ली, वी आर गोइंग टू सम अप विद इन फ्यू मिनट्स. मेक इट फास्ट. हाँ, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी. पता है, पता है. ओके, लेट अस टेक केस स्टडीज वेरी फास्ट. अभी तक का डिस्कशन समझ में आ गया पूरा? सेक्शन 22 बेसिस ऑफ चार्ज, विच इनकम इज चार्जेबल एज हाउस प्रॉपर्टी इनकम. तीन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, असेसी ओनर, बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट, एन्युअल वैल्यू विल बी टैक्सेबल. नाउ लेट अस टेक सम केसेस. पहला केस लेते हैं. सी, यू आर द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग, आपके पास एक बिल्डिंग है. यू हैव लेट आउट दिस बिल्डिंग टू द एम्प्लॉय ऑफ योर बिजनेस. आपने आपके एम्प्लॉयज को ये बिल्डिंग भाड़े पे दिया है एज अ स्टाफ क्वार्टर. स्टाफ क्वार्टर्स की तरह ये बिल्डिंग एम्प्लॉय को भाड़े पे दिया, उसमें से रेंट आया. तो दिस इनकम इज व्हाट? इज इट हाउस प्रॉपर्टी इनकम और बिजनेस इनकम?
तो उसके लिए वापस जाना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा सेक्शन 22 ने क्या बोला था। इफ यू आर यूजिंग द प्रॉपर्टी फॉर योर बिजनेस, इफ यू आर यूजिंग द प्रॉपर्टी फॉर योर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, दैट प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूडेड, मतलब कि वो प्रॉपर्टी यहां से एक्सक्लूड कर दिया, तो फिर इसका रेंट भी इस हेड में नहीं आएगा, तो वो रेंट भी यहां से एक्सक्लूड कर दिया, दैट इनकम विल बी चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। क्लियर? सो बिल्डिंग इफ इट इज लेट आउट टू द एम्प्लॉयज ऑफ ओन बिजनेस लाइक स्टाफ क्वार्टर्स, देन इनकम फ्रॉम सच बिल्डिंग, उसके पास से जो भी रेंट मिला है एम्प्लॉय के पास से, इट इज कंसिडर्ड, इट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फिर से एक बार, लेट आउट टू द एम्प्लॉयज ऑफ ओन बिजनेस, इट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सेकेंड केस लेते, आराम से समझना, हाँ अभी तो खतरनाक केस है। आपका एक यूनिक एक्टिविटी, यूनिक बिजनेस, यू यूज टू परचेस बिग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स परचेस करते हो, एंड देन यू यूज टू लेट आउट, वो जो बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स परचेस किए हैं उसको भाड़े पे देने का काम करते हो। सो यू परचेस बिग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एंड यू लेट आउट, पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स किसी को लेट आउट नहीं करते हो, उसमें जितनी भी छोटी छोटी शॉप्स है ना उसको अलग अलग लोगों को लेट आउट कर दिया, एंड रेगुलरली यू आर रिसीविंग रेंट। क्लियर? फिर से, यू परचेस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, स्मॉल शॉप्स वर देयर, एंड यू हैव लेट आउट दिस शॉप्स टू सम डिफरेंट डिफरेंट पर्संस, एंड यू आर रेगुलरली रिसीविंग रेंट आउट ऑफ इट, उसमें से आपको रेगुलरली रेंट मिलता है, देन दैट रेंटल इनकम इज व्हाट? एक ही आवाज में बिना सोचे तुरंत आंसर बिजनेस इनकम। पहले सोचो तो सही, क्या इस प्रॉपर्टी का यूज आपके बिजनेस के लिए करते हो? आपने तो प्रॉपर्टी खरीद के उसको, उसकी जितनी भी शॉप से उसको भाड़े पे दे दी, इज इट अ सेल्फ ऑक्यूपाइड, इज इट लेट आउट हाउस फॉर एनी पर्पस? सर इट इज लेट आउट हाउस फॉर एनी पर्पस। इज इट यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन? क्या उस प्रॉपर्टी खुद के बिजनेस के लिए यूज करते हो? सर वैसे अपना प्रॉपर्टी खरीद के भाड़े पे देने का बिजनेस ही तो है, तो इट इज बिजनेस। बट माई डियर यू आर नॉट यूजिंग द प्रॉपर्टी फॉर योर बिजनेस, खुद के बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हो, तो फिर ये रेंटल इनकम किधर जाएगा? अंडर विच हेड इट विल बी टैक्सेबल? अगर हेड सिलेक्ट करने में गड़बड़ कर दी तो आपकी टैक्सेबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी तो उसके बाद चाय पे चर्चा होगी इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ। बोलो, दिस इनकम विल बी चार्जेबल एज व्हाट? ऑब्वियसली Definitely, as per the provision, it is income from house property. Mainly, it is income from house property. But, 2016 Supreme Court Rayala Corporation के केस में एक अच्छा जजमेंट दिया है। अब अच्छा मतलब SSC के लिए अच्छा, गवर्नमेंट के लिए बुरा। क्या जजमेंट दिया? That this income to be considered as income from business or profession. So, what is the correct answer? Don't know. If you have the business of owning and letting out of the property, then income is basically income from house property, but as per the judgment, it can be considered as a business income. Now, I think this judgment is baseless. Is judgment ke liye objection hai mujhe khud ko. Bhale Supreme Court ka judgment hai, but objection is there. Objection, my lord. As a rational person, aam aadmi ki tarah main agar sochu, तो मुझे इतना समझ में तो आता है कि कोई भी प्रॉपर्टी का रेंट जो है ना, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू के 4-5% के आसपास होता है। आप खुद के घर का भी सोच लो एक बार, आपका घर, अगर आपके घर की वैल्यू 50 लाख है, वैल्यू आई एम सेइंग वैल्यू, तो एक साल का रेंट कितना हो सकता है? तो 2-2.5 लाख रुपया। महीने का रेंट कितना हो सकता है? 20-25 हजार रुपया। उससे ज्यादा रेंट नहीं होगा। सो अप्रोक्सीमेटली रेंटल इनकम जो है ना, वो 5% के आसपास की होती है। नाउ इमेजिन द सिचुएशन, आपने प्रॉपर्टी परचेस किया है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसको भाड़े पे दे दिया है, तो आपका रेंटल इनकम 5% आएगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू का 5% रेंटल इनकम आएगा। उसके सामने अगर इसको बिजनेस इनकम माना जाए तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस 10% हो जाएगा। So every year you are going to have business loss.
बस कैरी फॉरवर्ड करते रहो, सेट ऑफ करते रहो, इनकम टैक्स लायबिलिटी कम करते रहो, गवर्नमेंट फाइन. सो बेसिकली दिस जजमेंट इज क्वेश्चनेबल, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द जजमेंट, वी कैन नॉट डिनाई. सो इट मे बी कंसिडर्ड एज अ हाउस प्रॉपर्टी इनकम एज पर द प्रोविजन, बट एज पर द जजमेंट इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस इनकम ऑल्सो. ओके, तीसरा इंटरेस्टिंग केस लेते हैं. हाँ मुझे पता है भूख लगी है, भूख लगी है, प्यास भी लग जाती है, भूख भी लग जाती है, रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया है आपका, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाओ भाई. एक काम करो, 2 मिनट के लिए सांस बंद कर दो. नहीं नहीं रहने दे भाई, 10 सेकंड इनफ है तेरे लिए, चलेगा. ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट केस, लेट अस क्विकली रश थ्रू दिस थर्ड वन. ऑडिटोरियम देखा है, कैन यू विजुलाइज कंप्लीट ब्लैकआउट वाला ऑडिटोरियम, कोई सिनेमा हॉल जैसा ऑडिटोरियम. ओके, आपके पास एक ऑडिटोरियम है, मुझे एक इवेंट करनी है, सो मैं आ गया आपके ऑडिटोरियम के लिए. फॉर एग्जाम्पल द टाउन हॉल ऑफ द सिटी, मैंने बोला टाउन हॉल मुझे भाड़े पे चाहिए वन डे. आपने बोला यस ओके, हम आपको भाड़े पे देंगे, बट उसमें चेयर नहीं होगी, एसी नहीं होगा, स्टेज नहीं होगा, माइक नहीं होगा, पोडियम नहीं होगा, फैसिलिटीज नहीं होगी, नथिंग. तो होगा क्या सर? खाली खोखा, बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टेनेंट. बोलो चाहिए भाड़े पे, विल यू टेक? नो. मतलब कि इफ प्रॉपर्टी इज टू बी लेट आउट, फर्नीचर इज कंपल्सरी. मतलब कि बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टेनमेंट लेट आउट करने के लिए फर्नीचर कंपलसरी देना ही पड़ेगा. मतलब कि फर्नीचर इज इनसेपरेबल. इनसेपरेबल मतलब लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट पॉसिबल विदाउट फर्नीचर. फर्नीचर के बगैर ये प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं कर सकते. हाँ सर वो तो नहीं हो सकता है. ओके कोई बात नहीं, टाउन हॉल ने बोला ठीक है चलो दिया. बिल्डिंग लैंड अपार्टेनमेंट के साथ चेयर भी है, एसी भी है, इक्विपमेंट्स भी है, सब कुछ है, एंड रेंट इज 10,000 पर डे. तो 10,000 रुपया ये टाउन हॉल वाले ने जो लिया है आपके पास से, इट इज फॉर व्हाट? इज इट फॉर दैट बिल्डिंग और फर्नीचर पोर्शन और इक्विपमेंट पोर्शन और फैसिलिटीज, दैट एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दैट द टाउन हॉल इज गिविंग? नो सर, इट इज कंबाइंड एंड इट इज इनसेपरेबल. इनसेपरेबल मतलब फर्नीचर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रॉपर्टी. मतलब कि लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट पॉसिबल विदाउट फर्नीचर. तो फिर ये रेंटल इनकम किधर जाएगा भाई? तो ये रेंटल इनकम किधर जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी इनकम? नो. रीजन, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अपना प्रॉपर्टी डेफिनेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टेनमेंट. मतलब कि सिर्फ बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टेनमेंट चाहिए, उसमें अपने को इक्विपमेंट, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी कुछ भी नहीं चाहिए. एंड हियर यू आर रिसीविंग रेंट फॉर ऑल एंड द फर्नीचर इज इनसेपरेबल. Then this income is chargeable as business income or income from other sources. Fine. मतलब कि if furniture is compulsory, furniture is part and parcel of property, then the income will be chargeable as income from business profession or it is income from other sources. But if furniture is separable, separable मतलब अलग अलग कर सकते, ऐसा नहीं होता है भाई. जो word है उसका meaning वही हो, ऐसा नहीं होता. सेपरेबल मतलब यू कैन लेट आउट द प्रॉपर्टी इवन विदाउट फर्नीचर. मतलब कि लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज पॉसिबल इवन विदाउट फर्नीचर. अगर फर्नीचर के बगैर भी प्रॉपर्टी भाड़े पे दे सकते हो, देन दैट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टेनमेंट, दैट द इनकम विल बी चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, कोई बैंक मैनेजर एक सिटी से आपकी सिटी में आपके पास ट्रांसफर होके आया है. अब 2-3 साल के लिए ट्रांसफर पे आया है, तो यहाँ पे कोई फ्लैट तो खरीदेगा नहीं. सो ही इज इन सर्च ऑफ 2 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट. 2 BHK का फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट चाहिए. फुल्ली फर्निश्ड आई एम सेइंग आपके पास है, आपने उसको भाड़े पे दिया, रेंट फिक्स किया 30,000 पर मंथ. तो ये 30,000 रुपीज विल बी हाउस प्रॉपर्टी इनकम और बिजनेस इनकम? डेफिनेटली हाउस प्रॉपर्टी इनकम. क्यों? बिकॉज आई कैन लेट आउट फ्लैट एज फ्लैट इवन विदाउट फर्नीचर, बट आई कैन नॉट लेट आउट ऑडिटोरियम एज ऑडिटोरियम विदाउट फर्नीचर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
Fine. So if furniture is separable, then property income. That is income from house property. And if furniture is inseparable, matlab ki furniture is compulsory for let out of property, then income is chargeable as business income or income from other sources. Acha. Coming back to our example. जो 2 BHK का फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट आपने भाड़े पे दिया है, अगर रेंट एग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया हो कि 25,000 इज फॉर बिल्डिंग एंड 5,000 इज फॉर फर्नीचर, तो 25,000 इज हाउस प्रॉपर्टी इनकम, 5,000 जो फर्नीचर का लिया है इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. लेकिन ये बाइफर्केशन ना हो तो पूरा 30,000 रुपीज विल बी चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. फाइन. सो इफ फर्नीचर इज इनसेपरेबल, बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इफ फर्नीचर इज सेपरेबल, देन टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सेपरेबल का मतलब लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज पॉसिबल विदाउट फर्नीचर, मतलब कि फर्नीचर इज नॉट कंपल्सरी फॉर लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी. करेक्ट. नाउ यू कैन फाइंड एवरीथिंग दिस वन दिस थिंग्स इन ब्लैक फॉन्ट. ऑब्वियसली आपको ये सब कुछ कंपल्सरी लिखना है, ऑब्वियसली लिखना है. ब्रेक जैसा कुछ नहीं होता है लाइफ में. लाइफ आगे बढ़ने का नाम है, बढ़ते जाना है, लिखते जाना है फास्ट. 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. जल्दी से स्टार्ट राइटिंग. 3 मिनट्स फॉर यू फास्ट. फास्ट लिखो भैया. फॉर अ चेंज कभी कभी लिखते लिखते समझने का भी हो. समझते हो? स्ट्रेंज. अरे रुक, किधर भाग रहा है? सबका खत्म नहीं हुआ अभी तक. जल्दी लिख लिया. स्कूल डेज याद कर देता है ना. स्कूल में ऐसा करते थे, आजू बाजू देखने का सबसे पहले मैंने लिख लिया फटाक से पेंसिल पछाड़ने का जोर से. ओके चलो फाइन. होपफुली सब ने लिख लिया है. नहीं अभी तो लिख भाई, एक ही बार लिखना है भाई. जल्दी अब ऐसा मत बोलना सर आप बीच में बोल रहे हो इसलिए लिखना रह जाता है. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, यू नो, कॉन्सेंट्रेशन. ओके चलो फाइन, डन, रेडी. सो आज का डिस्कशन अपना टोटल हो गया सब मिला के सेक्शन 22 का, बेसिस ऑफ चार्ज. फिर से एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं. बेसिस ऑफ चार्ज, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, असेसी मस्ट बी ओनर प्रॉपर्टी दैट इज बिल्डिंग एंड लैंड अपर टेनेंट, एंड एन्यूअल वैल्यू विल बी टैक्सेबल. प्रॉपर्टी
बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट में बिल्डिंग रेसिडेंशियल कॉमर्शियल एनीथिंग बट इट शुड बी आइदर सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट इट शुड नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन एंड लैंड अपार्टमेंट एवरीथिंग विच इज अटैच टू द बिल्डिंग एंड फ्यू केसेज वी हैव टेकन विच इनकम्स आर चार्जेबल एज हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड विच इनकम्स आर स्पेसिफिकली नॉट चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट इज ऑल द डिस्कशन ऑफ सेक्शन 22 नेक्स्ट टाइम विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रोविजन नेक्स्ट प्रोविजन कौन सा डिस्कस करना है वो आज डिस्कस नहीं करते नेक्स्ट टाइम के लिए ही रखते विल स्टार्ट विद एग्जाम्पल एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोविजन टिल देन स्टे हेल्दी इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल टू वॉच मोर सच वीडियोस एंड लर्न फ्रॉम आवर एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.